हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत हैं, इनसे बात करेंगे। आपके पार्टी कब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में? हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो शामिल हो गए हैं बीजेपी में, आपके पार्टी कब शामिल हो? भाई उनको शुभकामनाएं हैं। हमारी पार्टी जब निर्णय लेगी कि किधर हमें जाना है, किस गठबंधन में जाना है, गठबंधन में तो लड़ना तय बात है और उसका निर्णय बहुत जल्दी, क्योंकि चुनावी साल है, 8-10 महीने चुनाव के बाकी रह गए हैं, तो बहुत जल्दी ही निर्णय आ जाएगा। निर्णय आ जाएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो क्या जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है उस पर बात नहीं बन पा रही है, क्या वजह है कि अभी तक आप लोग शामिल नहीं हो पाए? देखिए, सीट शेयरिंग के अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो पार्टी और संगठन के हित में हैं, तो वो सब बातों पर चर्चा चल रही है शीर्ष नेताओं के बीच में, और जब लगेगा कि दोनों पार्टियों का या दोनों घटक दलों का विन विन सिचुएशन है तब उसका निर्णय हो जाएगा। जीतनराम मांझी एक तबके का वोट बैंक, बड़े वोट बैंक माने जाते हैं, वो शामिल हो गए हैं, चिराग पासवान भी जा रहे हैं, तो सीट शेयरिंग को लेकर के क्या बातें होंगी? देखिए, अब मांझी जी चले गए हैं और ठीक है, एक समाज के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं। चिराग पासवान जी जो हमारे नेता हैं वो एक जाति से नहीं है, एक जाति विशेष तक ही सीमित होकर नहीं रहते हैं, वो जमात की बात करते हैं, सर्वमान्य नेता हैं, खास करके युवाओं में जो उनका क्रेज़ है वो देखने लायक है। तो मुझे लगता है कि जब चिराग पासवान जी या हमारी पार्टी जिस गठबंधन में जाएगी उस गठबंधन को बहुत मजबूत करेगी, और जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो उसके लिए ऐसी तैयारी करनी पड़ती है, तो भाई जो भी गठबंधन में जाएंगे ऐसी तैयारी हो रही होगी, जब होगी तो बताया जाएगा आपको। कल विपक्षी एकता की बैठक होनी है, तमाम जो है नेता आ रहे हैं, इस बैठक के क्या मायने होंगे? सर मुझे लगता है ये बस सिर्फ टाइम पास है। आप देख लीजिए कि जो भी पार्टी 17-18 दल है, मांझी जी निकल के चले गए हैं, उनसे पहले उपेंद्र कुशवाहा चले गए हैं, और जो भी आपस में लोग हैं, जैसे केजरीवाल जी हैं, उनका कांग्रेस से नहीं बनता है, कांग्रेस का ममता बनर्जी से नहीं बनता है, वाम दल का ममता बनर्जी से नहीं बनता है, जदयू का कहीं से और नहीं बनता है। कहने का मतलब है कि ये टाइम पास है। तो ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो बैठकें हो रही है बस इसमें बातें नहीं बन पाएगी, लोग आ रहे हैं लेकिन बैठक हो रही है, आगे जो चुनाव होगा उसमें जो सहमति है वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का अलग एजेंडा है, ममता बनर्जी का अलग एजेंडा। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि बीजेपी गठबंधन को लेकर के भी कहा है कई बातें जो हैं अभी नहीं हो पाई हैं, स्पष्ट नहीं हो पाया, जैसे ही सभी बातों पर बात बन जाएगी तो हम लोग भी NDA में शामिल हो जाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धीरेंद्र कुमार, भारत न्यूज़ 24, पटना।